क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड क्या होता है, जैसे हमने कल पिछली बार जो किया था, हमने जो लास्ट क्लास कल में जो किया था, वो किया था हमने स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड के अंदर हमने क्या ली थी, सिर्फ वैल्यूज ली थी। अब हमारा क्या है, वेक्टर फील्ड, यानी कि वैल्यू तो हमारे पास में है, लेकिन उसके साथ में क्या है, एक डायरेक्शन भी है, एक डायरेक्शन के अंदर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे अच्छा लगता है वो एग्जाम्पल है, अगर आप नदी पे खड़े हो, नदी के पास में खड़े हो, तो नदी में जो पानी जा रहा है, और पानी में आपने देखा होगा ना, ये जो पत्ते हैं या कोई कागज का टुकड़ा है वो बहता रहता है, तो पानी जो आपका बह रहा है इस तरह से, इस पानी के अंदर देखो आप, हर एक पॉइंट पर आपको वेलोसिटी का वेक्टर मिलेगा, और ये वेलोसिटी वेक्टर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक अगर यहां पर वेलोसिटी वेक्टर है, तो इस वेलोसिटी वेक्टर की एक डायरेक्शन आ रही है। वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो ये यहां पर क्या है, जो पानी जो आपका बह रहा है, दैट मीन्स पानी के हर एक मॉलिक्यूल, पानी का हर एक पार्टिकल जो है, हर एक पॉइंट जो है पानी पे, वो सारे सारे पॉइंट क्या है, वेलोसिटी वेक्टर्स को डिफाइन कर रहे हैं। और वेलोसिटी वेक्टर्स के अंदर एक और चीज होती है कि इसकी हमारे वेक्टर की लेंथ कितनी ज्यादा है। वेक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा, वेक्टर की लेंथ, अगर मैंने एक वेक्टर बनाया, लाइक एक मैं वेक्टर इस ढंग से बना रहा हूँ, और एक दूसरा वेक्टर मैं इस ढंग से बना रहा हूँ, और एक तीसरा वेक्टर मैं ये बना रहा हूँ, तो इन तीनों वेक्टर में क्या है, तीनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, बट तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका मैग्नीट्यूड मॉडरेट आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये वेक्टर्स जो बन रहे हैं, इन सब का जो जो इसके वेक्टर का जो जो एरो है, एरो जितना बड़ा होगा मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा हो रहा है। फिलहाल जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, तो ये इसी तरह से इस दूसरी लाइन में भी बना सकते हैं हम। यहाँ पर अगर मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन मुझे यहाँ पर मिली, इस वेक्टर की डायरेक्शन मुझे यहाँ मिली, इस वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ मिली, इस वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से मिली, तो ये सारे सारे क्या है, मेरा वेक्टर्स को मैंने डिनोट कर दिया, ये सारे सारे वेक्टर्स हो गए। कल जो किया था, कल और आज वाले, सिर्फ इतना सा फर्क है, कल मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स थे, मेरे पास में वहां पर पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के साथ डायरेक्शन नहीं थी। अब क्या है, पॉइंट्स तो है ही है, क्वांटिटी है मेरे पास में, और क्वांटिटी के साथ में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है या फोर्स है। यहाँ पर मान लीजिए इसी चीज को अगर मैं मान लू, ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, या ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, तो आप यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ, कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल, एक क्यू चार्ज अगर मैं रख देता हूँ, तो क्यू चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर अगर मैं क्यू चार्ज रख देता हूँ तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर अगर मैं क्यू चार्ज रख देता हूँ तो फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, ये मेरा फील्ड हो गया। तो इस तरह के फील्ड को, जिसके अंदर अ फील्ड विच इज विच रिप्रेजेंट्स दी वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर फील्ड। अ फील्ड दैट रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज इज नोन एज वेक्टर फील्ड, और उसको हम वेक्टर फील्ड कहेंगे। कल और आज वाले में फर्क क्या है, कल सिर्फ हमारे स्केलर थी, उसके अंदर कोई उसकी डायरेक्शन नहीं थी, आज ऐसे ही मैंने यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर बनाया, ये मेरा हो गया वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर फील्ड, तो ये मैंने वेलोसिटीज बना दी। अब जो वाटर रिपल्स है, अब पानी के ऊपर भी आपने देखा होगा, जब आप नदी के पास में बैठे हो या नहर के पास में बैठे हो, जो पानी जो चल रहा है उसके ऊपर अगर आपने पत्थर डाला, उसके ऊपर आपने पेपर डाला, या उसके ऊपर आपने ये सूखा पत्ता डाला, तो पत्ते पर जैसे ही पानी वहां पर, जब जहां पे पत्ता गिर रहा है, वहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में वो आगे जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डायरेक्शन, जो जो जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने
आपने डाला कागज का टुकड़ा डाला, इस पॉइंट पे आपने कागज का टुकड़ा डाला, तो वेलोसिटी फील्ड क्या कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर उसको डाउनवर्ड लेके जा रहा है, लेकिन जो इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या करेगा उसको दूसरी डायरेक्शन लेके जा रहा है, तो इस तरह से वो आगे मूव करता रहेगा। उसके ऊपर फोर्स कहां से लग रहा है, इस वेक्टर फील्ड के कारण लग रहा है। तो ये है हमारा वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड सारी वेक्टर क्वांटिटीज के कारण बनेगा, जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज है उन सबका वेक्टर फील्ड होगा। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन मोमेंटम एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन विंड डायरेक्शन, विंड को भी अगर मैं लूं विद डायरेक्शन, अगर लूं विदाउट डायरेक्शन लेता हूं जब तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, अगर मैं विंड को विद डायरेक्शन लेता हूं तो वो मेरी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इन सब वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं प्रेजेंट करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा वेक्टर फील्ड। अब इसी वेक्टर फील्ड को जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो डायरेक्शन है, जो एरो है, ये मुझे वो डायरेक्शन शो करेगा, और जो एरो की लेंथ है, the direction of the vector is, the direction is given by, the direction is given by the arrow at given point, whereas the length of arrow defines the magnitude of vector quantity at that point उस पॉइंट पर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, दैट इज वेक्टर फील्ड। और दी लेंथ, जो उसकी लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी को का मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब इसको लिख लो फिर आगे करते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख देना। एक्स्ट्रा क्लास लेने से, एक आधी क्लास एक्स्ट्रा मिलने से क्या होता है, थोड़ी सी मतलब आराम से हम सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इसको अगर थोड़ा मैं अगर डायग्राम को बड़ा करूं तो देखो मैं जो बता रहा हूं ये चीज है, एरो जो मैंने बनाए हैं वो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो वेक्टर फील्ड है ये मेरा कहां पर है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, सब जगह पूरा सब जगह फैला हुआ नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर है ना। लाइक ये मैं इस एरिया को ले लेता हूं, ये मेरा एरिया, यहां से यहां तक का जो मेरा एरिया है इस एरिया को मैं ए से डिफाइन कर रहा हूं। अगर ये मेरा एरिया ए है, इसमें जो मेरा वेक्टर फील्ड है उस वेक्टर फील्ड को मैं डिफाइन कर सकता हूं कैसे, मेरे पास में ये जो वेक्टर फील्ड अभी मैंने बनाया इसका मैंने एक ये एरिया लिया, इस एरिया के अंदर ये मेरा वेक्टर हो गया और ये एरिया क्या हुआ, मेरा एरिया ए वेक्टर फील्ड होगा। अब इस वेक्टर फील्ड को अगर मैं डिफाइन करूं, मान लीजिए टू डायमेंशनल है, तो इसको मैं वेक्टर फील्ड को मैं डिफाइन कर सकता हूं एफ एम इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई आई कैप। आई कैप क्यों आएगा, क्योंकि अब हमारा ये वेक्टर है और मैं इसको कार्टेशियन सिस्टम के अंदर लिख रहा हूं
एक्स वाई टू डी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आई कैप प्लस एफ टू एक्स वाई जे कैप, ये मेरा हो गया टू डी के अंदर वेक्टर फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से अगर मेरे पास में ये फील्ड टू डायमेंशनल नहीं होकर थ्री डायमेंशनल अगर है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है और थ्री डायमेंशनल स्पेस को मैं जो एरिया है थ्री डायमेंशनल स्पेस का एरिया में अगर ओमेगा से डिफाइन करता हूं, ओमेगा से थ्री डायमेंशनल स्पेस इन थ्री डी, देन मेरा वेक्टर फील्ड क्या मैं किस ढंग से लिखूंगा, देन मेरा वेक्टर फील्ड हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू एफ वन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आई कैप प्लस एफ टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जे कैप प्लस एफ थ्री एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के कैप। आई जे के यूनिट वेक्टर हो गए, जे एक डायरेक्शन बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई आई जे के पे, और एफ वन एफ टू एफ थ्री वहां पर अलोंग एक्स डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड, अलोंग वाई डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड, अलोंग जेड डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड, ये मेरी इक्वेशन हो गई वेक्टर फील्ड की। ठीक है, अब ये जो अभी हमने बनाया है इसके अंदर ये जो लाइंस आ रही है जो एरोज जो बन रहे हैं ये क्या हो गए, ये हमारी वेक्टर लाइंस कहलाती है, दीज आर कॉल्ड वेक्टर लाइंस, ये है वेक्टर लाइंस। और इस वेक्टर लाइंस की डायरेक्शन कौन सी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एरो की डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन मींस जो टेंजेंशियल लाइन है, जो टेंजेंट जो आ रहा है, टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एट दैट पॉइंट, द टेंजेंट दैट मींस व्हाट आई एम सेइंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन वेक्टर फील्ड is given by the tangent at that point, जो tangent जो होगा वो उस जगह पे, like मेरे पास इस तरह से है, तो अब यहाँ पे tangent मान लीजिए मेरा point ये, मैं point consider करता हूँ, इस point पे जो tangent मैंने बनाया वो tangent मुझे क्या देगा, इस point पर vector की direction देगा, ये direction। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट यहां पर बनाता हूं, यहां पर मेरा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बना, इस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट ये इस तरह से बना। तो जो टेंजेंट जो आ रहा है वो आपको डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर, जब टेंजेंट की बात कर रहे हैं। अब इसी को अब मैं एक स्मॉल एरिया कंसिडर करता हूं, बहुत छोटा सा एरिया है ना, इसी के अंदर मैं बात कर लूं, मैंने ये छोटा सा स्मॉल एरिया कंसिडर किया यहां से यहां तक का स्मॉल एरिया डी एस, स्मॉल एरिया एट अराउंड दी पॉइंट, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दीजिए पॉइंट पी, पॉइंट पी पर एक स्मॉल एरिया डी एस कंसिडर किया, देन व्हाट इज डी एस, देन डी एस इज बेसिकली डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये मेरा वहां पर मेरा एक स्मॉल एरिया मेरा कंसिडर हो गया अराउंड दी पॉइंट पी, इस पॉइंट को भी नाम देता हूं मैं, ये पॉइंट पी पर मेरा एरिया हुआ। तो यहां पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट जब ड्रॉ करूंगा तो इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो टेंजेंट की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, आपने स्कूल में पढ़ रखी है, टेंजेंट कैसे निकालेंगे, टेंजेंट हो जाएगा मेरा बोर्ड दिख रहा है एक्चुअली मेरा अभी क्या है कि यस ठीक है, सो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई मेरे पास में डी एक्स by f1 x comma y comma z is equals to dy upon f2 x comma y comma z is equals to dz divided by f3 x comma y comma z, ये मेरी tangent की equation आ जाएगी। tangent की equation means जो field है, जो vector है, vector की direction के लिए इक्वेशन मेरी ये बन जाती है डी एक्स अपॉन एफ वन डी वाई अपॉन एफ टू डी जेड अपॉन एफ थ्री। व्हाट इज एफ वन एफ टू एफ थ्री, एफ वन एफ टू एफ थ्री क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, अलोंग वाई एक्सिस जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, अलोंग जेड एक्सिस जो मैग्नीट्यूड आ रहा है,
इसी तरह से अगर मैं इसको टेंजेंट को टू डायमेंशनल वेक्टर हो और टू डी वैक्टर, तब क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एफ वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ टू। ये मेरे पास में टू डायमेंशनल वेक्टर का टेंजेंट में निकालने के लिए इक्वेशन हुई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन क्या है मेरे पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहां पर इस केस में मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी बन जाएगी, दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कौन कौन सी, इससे मैं ले सकता हूं पहली इक्वेशन डी एक्स बाई एफ वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ टू, एंड सेकेंड इक्वेशन आई कैन टेक डी वाई बाई एफ टू इज इक्वल टू डी जेड बाई एफ थ्री। दो इक्वेशंस बन गई, यहां पर मेरे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक इक्वेशन बन रही है। तो इन इक्वेशन की सहायता से मैं वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो पॉइंट हमने कंसीडर किया पॉइंट पी, पॉइंट पी पर मैं टेंजेंट की डायरेक्शन निकाल सकता हूं और वहां पर मैं वेक्टर को फाइंड आउट कर सकता हूं कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है। लिख लीजिए, तो ये हमारा वेक्टर हो गया सर। ये 3D वाला में एक इक्वेशन और बन सकता है ना? हाँ, एक और ले सकते हो आप, dy। आप कोई भी, वैसे दो इक्वेशन अगर लेते हैं तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन और ले लीजिए dx by f1 और dz by f2, f3, दोनों मतलब सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, ओके, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ओके सर, लिख लिया सर। तो अब देखो हमने क्या किया है इस पूरे के अंदर, कल वाली चीज में और आज वाली चीज में फर्क क्या क्या आ रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करना। कल हमने इक्वेशन क्या काम में ली थी, कल हमने इसी तरह से स्केलर फील्ड को डिफाइन किया था, उसमें हमारे एरो नहीं थी। ठीक है, एरो हम लेकर आए थे, एरो कहां से लेकर आए थे कि जो हमारी जो वैल्यूज थी, स्केलर वैल्यूज में चेंज कैसे हो रहा है पोजिशन के अकॉर्डिंग, स्पेस में जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो हमारी जो वैल्यूज फिक्स वैल्यूज है, डायरेक्शन लेस वैल्यूज है, उसमें चेंज कैसे हो रहा है। कल वाले केस में हमने क्या किया था, इस तरह से लाइंस बनाई थी, है ना, ये कलर्स मैंने जो बनाया था, यहाँ पर मैंने कलर गहरा बताया था, फिर यहाँ पे कलर हल्का हो गया, फिर कलर हल्का हो गया, तो एक ग्रेडियंट मुझे मिला, यहाँ पर मुझे मिल गया ग्रेडियंट। आज हमने क्या बात करा, और जब मैंने ग्रेडियंट की बात की थी तो मेरी इक्वेशन ये नहीं थी, आई कैप और जे कैप नहीं था, कल वाले जो स्केलर फील्ड के लिए इक्वेशन थी वो थी एफ एम इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के बराबर है, इट हैज नो डायरेक्शन, ना आई कैप है, ना जे कैप है, ना के कैप है, कोई इसके साथ में डायरेक्शन नहीं है। ये मेरा था स्केलर फील्ड, और आज जो मैंने किया है उसके अंदर ये मेरा है वेक्टर फील्ड। और जब मैं वेक्टर फील्ड है तो कैसे है ये वेक्टर फील्ड, ये कि मेरे यहाँ पे क्या हो गया, आई कैप आ रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है, आई कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये मेरे पास एक डायरेक्शन दे रही है। और जब डायरेक्शन मिल रही है तो डायरेक्शन कहां से निकलेगी, टेंजेंट से निकलेगी, डायरेक्शन निकलेगी टेंजेंट से। अब टेंजेंट कहां से निकालते हैं, तो ये हम स्कूल्स में पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट पे, हमने डी एक्स अपॉन एफ वन, डी वाई अपॉन एफ टू, डी जेड अपॉन एफ थ्री। एफ वन एफ टू एफ थ्री में लिखा हुआ हो तो, और अगर एफ वन एफ टू एफ थ्री में नहीं लिखा हुआ हो, सिंपल अगर आपकी इक्वेशन लिखी हुई हो एफ इज इक्वल टू ए एक्स ए आई कैप और ए एक्स क्या लिखूं, ए आई कैप प्लस बी वाई कैप बी जे कैप प्लस सी जेड कैप, तो मेरे पास में जो डायरेक्शन की है डी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी वाई अपॉन बी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन सी। नाउ ए बी सी क्या है, ए बी सी मे बी कॉन्स्टेंट, कोई मना नहीं है, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, ए बी सी मे बी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के फंक्शंस हो सकते हैं। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, जो मेरा उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन आ रही है, जो टेंजेंट आ रही है, टेंजेंट को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए है
x1 y1 z1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी। इसको हम आगे एग्जांपल से करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है मेरे पास में एफ एम, साफ कर दूं बोर्ड? यस सर। एक एग्जांपल से हम इसको करते हैं। अब ये वेक्टर फील्ड कुछ भी हो सकता है, इट मे बी अ वेलोसिटी वेक्टर, इट मे बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मे बी अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सीलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वाटर फ्लो वाला, सो दैट वाटर फ्लो में हमको आइडिया रहता है ना, वाटर जब फ्लो कर रहा है तो उसमें एक डायरेक्शन हमारे साथ में वहां पे मेंशन होती है, डायरेक्शन हमको गिवन होती है, डायरेक्शन हमको मिलती है वहां पे। अब वेक्टर फील्ड है मेरा एफ एम इज इक्वल टू आई एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस टू जेड के कैप। ये मेरा एक माइनस टू जेड के कैप, ये मेरा वेक्टर फील्ड है, ठीक है। इन स्पेस ए एक मेरा एरिया है, उसके अंदर इस तरह से एक वेक्टर फील्ड डिफाइंड है और मुझे ये पता लगाना है कि इसके कारण डायरेक्शन कितनी होगी। डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन एट पॉइंट, डायरेक्शन एट पॉइंट, फाइंड द डायरेक्शन एट पॉइंट। पॉइंट हमको गिवन है और वो पॉइंट है P इज इक्वल टू, क्या है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, 1-1 and 2। इस पॉइंट पर पॉइंट कौन सा है, 1-1 and 2 पॉइंट जो है इस पर इस वेक्टर फील्ड की मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो अभी मैंने कहा, मैं क्या करूंगा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लेता हूं, तो आई कैन राइट इट dx अपॉन x, x इसके यहां पर इज इक्वल टू dy अपॉन जो j कैप के जो मल्टीप्लाइंग में जो वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, माइनस y इज इक्वल टू dz डिवाइड बाय, वैल्यू क्या आ रही है, -2z। ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। अब इस इक्वेशन को मैं दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकता हूं, एक इक्वेशन यहां तक और दूसरी इक्वेशन ये मैं ले। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो बनी वो क्या बन गई, dx upon x is equals to dy upon minus y। पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं फिर दूसरी इक्वेशन लेता हूं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन, इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ। जब मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, log x is equals to minus log x log y, माइनस log y को मैं इस साइड ले सकता हूं तो ये हो जाएगा प्लस log y, तो आई कैन राइट इट log x प्लस log y। ओके, यहां पे इंटीग्रेशन की मैंने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, तो सम कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो उस कांस्टेंट को मैं अभी लिख देता हूं, c1 मेरा कांस्टेंट हुआ। नाउ आई कैन राइट इट, और इसको कांस्टेंट को कुछ भी नाम दे दीजिए। तो अब मेरे पास में क्या हुआ, log x प्लस log y, आई कैन राइट इट log x y, लिखा जा सकता है इज इक्वल टू सी वन, लॉग हटा दीजिए तो मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर सी वन। और सिंपली यहाँ पे मेरा एक नया कोफिशियंट डिफाइन कर देता हूँ सी वन, इसको मैं सी लिख देता हूँ, ये मेरा नया कोफिशियंट हो गया सी वन। तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, किसकी इक्वेशन है ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये जो वहां पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन है। किस पॉइंट पर है, पॉइंट अभी हमने नहीं लिया, हमको अभी ये पॉइंट की वैल्यू हम बाद में लेंगे। ये मेरे इस कर्व पे, इस वेक्टर फील्ड पे टेंजेंट की इक्वेशन एक ही मिली। दूसरी इक्वेशन अब मैं इस दूसरे को सॉल्व कर लेता हूं, दूसरा क्या है dy by minus y is equals to dz divided by minus 2z। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, 2 को मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हुआ 2 dy by y is equals to dz by z।
दैट आई कैन राइट इट टू, इंटीग्रेशन कर लीजिए, दैट आई कैन राइट इट टू लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग जेड. सो दैट इज टू लॉग के बाहर है, तो लॉग में आया तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर बराबर सी टू जेड. वाई स्क्वायर बराबर सी टू जेड, ये मेरी एक दूसरी इक्वेशन बन गई. ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, कंबाइंडली, इंडिपेंडेंटली नहीं, कंबाइंडली रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंट, दीज टू इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन वेक्टर फील्ड. कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. अब इस चीज को थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं. लेट हमारे पास में इक्वेशन आ गई एक्स वाई बराबर सी वन एंड वाई स्क्वायर बराबर सी टू जेड. तो यूं करते हैं, वाई को मैं ले लेता हूं टी, लेट वाई इज इक्वल टू टी. अब हमको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. साफ कर दो या लिख रहे हो गया सर? ठीक है, दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. देन आई कैन राइट लेट वाई बराबर टी, लेट वाई बराबर टी. इफ वाई बराबर टी तो एक्स की वैल्यू मेरे पास निकल जाएगी. देन एक्स बराबर क्या हो जाएगा सी वन बाई टी. एंड वाई बराबर टी है तो Z की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं. Z बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई सी टू, टी स्क्वायर बाई सी टू. ये मेरे पास में Y बराबर टी, X बराबर सी वन बाई टी, Z बराबर टी स्क्वायर बाई सी टू, ये मेरे पास में वैल्यूज आई. अब हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट की वैल्यू रख लेते हैं. पॉइंट की वैल्यू क्या है, वन माइनस वन एंड टू. एक्स की जगह वन रख लीजिए, वाई की जगह माइनस वन रख लीजिए और जेड की जगह टू रख लीजिए. जब इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास में सी वन और सी टू की वैल्यू आ जाएगी. सी वन एंड सी टू, सी वन मेरे पास में आ जाएगा माइनस वन और सी टू जो है वो आ जाएगा माइनस वन बाई टू. ये मेरे पास में वैल्यू आ गई. ये वैल्यू में वापस इन दोनों इक्वेशंस में मैं रख लेता हूं तो मेरे पास में जो वेक्टर है तो मेरे पास में क्या बन जाएगा. देन मेरे पास में एक्स की वैल्यू आ गई एक्स बराबर माइनस वन बाई टी, वाई बराबर टी, जेड बराबर ये 1 बाई टू है तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर. ये मेरे पास में वेक्टर की डायरेक्शन आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और डायरेक्शन एट पॉइंट P, 1, माइनस 1, 2. ये मेरे पास में डायरेक्शन आ गई. अब इस डायरेक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं तो देखो ये प्लॉट बहुत सिंपल सा प्लॉट है, बहुत अच्छा सा प्लॉट है. क्या प्लॉट आ रहा है, Z इक्वल टू 2t स्क्वायर, यानी कि Z की डायरेक्शन में हाइपरबोलिक जा रहा है ना. तो ये जो प्लॉट है अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं इस तरह से, मैंने लिया तीनों एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस, इसको मैं लेता हूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और पीछे की साइड जा रही है वो मेरी जेड एक्सिस. तो ये प्लॉट आएगा इस तरह से, जेड डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेगा. ये आगे आपको या तो मैं शो करता हूं तब आपको इजीली समझ में आएगा. मैं इसको वीडियो स्क्रीन को शेयर करता हूं
सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड किस तरह का प्लॉट बन रहा है ये. ये देखो ये जो प्लॉट लाइन कहां से आ रही है, लाइन बिल्कुल सीधी चल रही है और फिर बाद में ये ये पैराबोलिक फॉर्म के अंदर जा रही है और वो पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट है हमारा 1-1 and 2. तो 1-1 2 के ऊपर ये जो एरो निशान बनाया है ये वो पॉइंट हो गया जिसके ऊपर जो एरो है, ये एरो मुझे क्या दे रहा है उस पॉइंट पर, ये जो एरो पर इस पॉइंट पर मुझे उसके टेंजेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है. जो ये एरो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है. ये है हमारा जो वेक्टर फील्ड था उसके बारे में. और नेक्स्ट एक और इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको लिख लीजिए, बाद में नेक्स्ट करता हूं. लिख लिए सर. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं हम और वो हमारा एग्जांपल है, वेक्टर फील्ड हमारा गिवन है. वेक्टर फील्ड है एक्स वाई आई कैप माइनस टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस वन जे कैप, एक्स वाई आई कैप माइनस टू एक्स ब्रैकेट में x माइनस वन जे कैप, ये मेरा वेक्टर फील्ड गिवन. ठीक है, एक्स वाई आई कैप माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन जे कैप. तो अब मैं टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकलेगी, वही सब जो अभी हमने किया, डी एक्स अपॉन आई कैप का जो मल्टीप्लायर आ रहा है वो आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई, जे कैप का जो मल्टीप्लायर है माइनस टू एक्स एक्स माइनस वन. ठीक है, अब देखो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो रहा है, ये एक्स कैंसिल और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, y उधर आ जाएगा, तो मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, ये इक्वेशन हो गई मेरे पास में, माइनस साइन को अभी रख लेते हैं, तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई, ये मेरी इक्वेशन, ये इक्वेशन हुई. तो अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट जैसा अभी हमने पहले किया था, इसको मैं सॉरी इंटीग्रेट कर लीजिए. जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन का इंटीग्रेशन करेंगे x और टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया 2x. ये हुआ इस साइड का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, एंड इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो मेरे पास में सम कांस्टेंट में ऐड कर देता हूं सी, मैंने कांस्टेंट ऐड कर. अब इस इक्वेशन को, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, इसमें मैं प्लस और माइनस ऐड कर देता हूं, इस वैल्यू के अंदर मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें मैं प्लस वन ऐड कर दूं और माइनस वन ऐड कर दूं, इसके अंदर मैंने प्लस वन किया एंड माइनस वन किया तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मींस मैंने इधर भी प्लस वन किया और माइनस वन किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जब मैं इधर प्लस सॉरी इधर तो जरूरत ही नहीं है ना, जब मैंने इस साइड ही कर दिया तो या मैं दोनों तरफ प्लस वन कर देता, ये सही रहेगा, दोनों तरफ प्लस वन ऐड कर दिया तो अब मेरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी प्लस वन. नाउ व्हाट इज इट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, और
इस टर्म को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्लस वाई स्क्वायर बाई टू एन इज इक्वल टू सी प्लस वन। सी मेरा कॉन्स्टेंट है, उसके अंदर मैं एक वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू एड कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये मेरा एक नया कॉन्स्टेंट हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया टी। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई टेंजेंट की इक्वेशन। और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन क्या है, ये मेरी सर्किल की इक्वेशन बन गई। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन क्या है, कौन सा सर्किल है जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 0 है, y एक्सिस पे 0 और x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और जिसकी रेडियस क्या है रूट डी के बराबर है। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो ये प्लॉट किस तरह का हो रहा है, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। x एक्सिस पर नहीं आ रहा है, सॉरी x एक्सिस पे है 1 पे, ओरिजिन कहां पर है, जो केंद्र जो आ रहा है सेंटर आ रहा है 1 पे, यानी कि 1 पे मेरा सेंटर। ये इस तरह का सर्किल, रेडियस क्या आ रही है जो यहां से वैल्यू आ रही है रूट डी से, जो वैल्यू आ रही है डी वन डी टू डी थ्री, ये मेरी इसकी रूट डी वन डी टू डी थ्री रेडियस हो गई। अब इस किसी भी एक सर्किल पे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कहां से मिलेगी, लाइक ये पॉइंट लिया तो ये वैल्यू आ गई, यहां पर पॉइंट लिया ये वैल्यू आ गई, यहां पर पॉइंट लिया ये वैल्यू आ गई, यहां पर पॉइंट लिया इस तरह से वैल्यू आ गई, यहां पर वैल्यू लिया ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये मुझे सारे सारे वेक्टर्स डायरेक्शन जो है डायरेक्शन मुझे मिल जाएगी, अंदर वाले सर्किल्स पे भी इसी तरह से मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी, मेरे सारे डायरेक्शन। तो ये है मेरा वेक्टर फील्ड को हमने अभी कर लिया है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब वापस मैं उसी चीज को लेता हूं जो अभी हमने किया था, जो अभी हमने फ्लूड की जो बात की थी, वाटर रिपल्स की जो बात की थी, वो डायग्राम थोड़ा सा इजी है, उसी डायग्राम को लेते हैं। मैंने इस तरह से बनाया था और मैंने यहां पर वेक्टर्स बनाए, ये मेरा वेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इस पे एक एरिया एनक्लोज कर दूं कि कितने वेक्टर्स उस एरिया में से बाहर आ रहे हैं, लाइक मैंने यहां पर एरिया कंसीडर किया, ये एरिया कंसीडर, इसमें से कितने वेक्टर बाहर आ रहे हैं, यहां पर मैंने एक एरिया कंसीडर किया, इस एरिया में से कितने वेक्टर्स मेरे बाहर आ रहे हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स बाहर आ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस क्या हो गई, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई, और उसको हम नाम देते हैं, वो मेरा कहलाता है फ्लक्स, वो मेरा हो जाएगा फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स, द नंबर ऑफ वेक्टर्स पासिंग थ्रू द एरिया, नंबर ऑफ वेक्टर्स पासिंग थ्रू एरिया, जो एरिया से पास हो रहे हैं, कितने वेक्टर, तीन वेक्टर पास हो रहे हैं, चार वेक्टर पास हो रहे हैं, हो सकता है जैसे अभी ये मैंने बनाया, इसमें एक बार मैं बना लूं और ये इसी को ही ले लेता हूं, चलो इसको मैं क्या करता हूं, इसकी डायरेक्शन ये फ्लो, अब ये यहां से यू जा रहा है, तब इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पर जब मैं इसका वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, वो वेक्टर हुआ बाहर की साइड में, अंदर इधर नहीं निकल रहा है, वो वापस नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कितने हो गए, सिर्फ दो वेक्टर बाहर आ रहे हैं, एक वेक्टर वापस टर्न कर गया, तो हमारे पास में जो बाहर आने वाले वेक्टर्स हैं वो कितने हुए, सिर्फ दो वेक्टर्स हुए, और ये क्या हो गया, ये कहलाती है क्वांटिटी फ्लक्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स किसी एरिया में से कितने पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलर एरिया में से कितने वेक्टर्स पास हो रहे हैं, वो मेरा कहलाएगा फ्लक्स, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मेरी स्केलर क्वांटिटी। क्यों हो गई स्केलर क्वांटिटी, इट ओनली गिव्स दी नंबर, वैल्यू हमको दे रहा है कि कितना फ्लक्स उसमें से पास हो रहा है। और अब इसको कैसे निकालेंगे,
तो अगर मेरे पास में एक स्मॉल एरिया डी एस, ये मेरा स्मॉल एरिया मैं कंसिडर कर रहा हूं डी एस, तो वेक्टर की इक्वेशन हमारी क्या थी, वेक्टर फील्ड की इक्वेशन एफ एम इज इक्वल टू था एफ वन एक्स वाई जेड आई कैप प्लस एफ टू एक्स वाई जेड के जे कैप प्लस एफ थ्री एक्स वाई जेड के कैप, ये मेरा वेक्टर है। तो जो फ्लक्स जो निकल रहा है वो कहां से निकलेगा, एरिया, एरिया मीन्स मुझे इसको लेना पड़ेगा, एरिया पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब एरिया पे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मैंने एरिया ले लिया, इंटीग्रेशन ऑन एरिया एफ एम डी एस विच इज इक्वल टू एरिया पे इसको इंटीग्रेट कर दो। जब एरिया पे इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ, एफ वन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्या एरिया हुआ यहां पर डी वाई डी जेड एरिया हो जाएगा, है ना। दूसरा एरिया क्या हुआ मेरे पास में, दूसरा एरिया ये हुआ एफ वन के लिए, एफ वन मल्टीप्लाइड बाई इसका एरिया कितना डी वाई डी जेड, सिमिलरली प्लस सेकेंड एफ टू अलोंग वाई एक्सेस है, अलोंग वाई एक्सेस है, जब पास किसमें से हो रहा है एक्स और जेड में से पास हो रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे हुआ एफ टू एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डी जेड प्लस इंटीग्रेशन परपेंडिकुलर एरिया क्या हुआ डी एक्स डी जेड हुआ, डी वाई यहां पर नहीं आएगा। सिमिलरली थर्ड में एफ थ्री मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डी वाई, ये मेरा एरिया हो गया, एरिया से मैंने इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो उसमें से फील्ड जो बाहर निकल रहा है सरफेस पे से, वो सरफेस में से कितना फील्ड बाहर निकल रहा है वो मुझे मालूम चल गया। अब अगर ये जो मेरा फील्ड जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है, फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है या फ्लक्स अंदर जा रहा है, इसी को हम कहेंगे डाइवर्जेंस, इसी के आगे आएगा हमारा वर्ड डाइवर्जेंस। और वो डाइवर्जेंस हमको क्या दे रहा है, अब ये क्वांटिटी अगर ये बाहर निकल रही है दैट मींस अंदर क्या है सोर्स है, अगर आपके पानी कहीं से बाहर निकल रहा है और उसके ऊपर आपने एक आपने क्या किया एक पानी का सोर्स लिया, एक पानी का सोर्स है और उससे पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो आपने क्या किया इसके ऊपर एक रिंग लगाई, पानी के सोर्स के ऊपर आपने, तो देखो बहुत अच्छे ढंग से मैं इसको समझा सकता हूं, मेरे पास में एक पानी का सोर्स जहां से पानी बाहर निकल रहा है, लाइक आपके पानी का पाइप है, और उसके ऊपर आपने क्या किया उसके ऊपर आपने एक रिंग रख दी, तो इस रिंग में से कितना पानी बाहर निकल रहा है, रिंग में से पानी कितना बाहर निकल रहा है वो मेरा रिंग में से पानी जो बाहर निकल रहा है। तो अब ये रिंग में से अगर पानी बाहर निकल रहा है दैट मीन्स पानी डाइवर्ट कर रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, वेक्टर यहाँ पे फ्लक्स मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ये फ्लक्स की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, जब फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है अंदर सोर्स है। और इसका उल्टा अगर ले लिया जाए कि मींस मेरे पास में लाइक हमारे पास में जो घर में जो सिंक है जिसके अंदर क्या हो रहा है पानी उसके अंदर जा रहा है, दैट मींस वहां पर क्या हो रहा है उसकी डायरेक्शन मेरी उल्टी हो गई, जैसी डायरेक्शन उल्टी हो गई वहां पे सोर्स नहीं है, अब वहां पर क्या हो गया सिंक हो रहा है, वेक्टर्स अंदर कोलैप्स हो रहे हैं। एंड तीसरी कंडीशन, अगर मेरा जो फील्ड वेक्टर्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स पासिंग थ्रू द एरिया इज कांस्टेंट, और आई कैन से कि जितने वेक्टर्स अंदर एंटर कर रहे हैं उतने की उतने वेक्टर बाहर निकल रहे हैं, तब इस केस में देयर इज नो सोर्स नो सिंक, और फ्लूड कौन सा हो गया इनकंप्रेसिबल है, जितना फ्लूड अंदर एंटर कर रहा है उतना का उतना फ्लूड बाहर निकल रहा है, तो इस केस में इनकंप्रेसिबल हमारा फील्ड हो गया, हमारा जो फील्ड है वो इनकंप्रेसिबल इस केस में, नीचे वाले केस में। अब इसको डाइवर्जेंस के फॉर्म में लेते हैं, अभी तो मैंने सिर्फ फ्लक्स की बात की है, अब फ्लक्स से हम आ जाते हैं डाइवर्जेंस पे, कैसे निकालेंगे इसको लिखो, बाद में इसको साफ करके मैं बाद में वापस बोलता हूं, इसको लिख लो बाद में मैं आगे डाइवर्जेंस के बारे में बात करूं।
हो गया सर। अब डाइवर्जेंस बेसिकली क्या हो रहा है कि हम एरिया कितना लेंगे या वॉल्यूम कितना लेंगे। ये तो एरिया तो हमने लिया, थ्री डायमेंशनल है, तो वॉल्यूम कितना लेंगे। तो डाइवर्जेंस इज बेसिकली द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हमको निकालना होगा। और जब डाइवर्जेंस फ्लक्स, दैट मीन्स फ्लक्स तो हमने निकाल लिया, अब फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। एरिया में जितना ज्यादा बड़ा लूंगा उतना ज्यादा मेरा फ्लक्स निकलने लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रिंग बनाई, इस रिंग को मैं और ज्यादा बड़ा ले लू, रिंग अगर मेरी और ज्यादा बड़ी है तो क्या है, खूब सारा इसमें से पानी बाहर निकल रहा है, तो मेरे पास फ्लक्स बढ़ गया। तो डाइवर्जेंस बेसिकली क्या हो गया कि डाइवर्जेंस हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट कंसिडर करता हूं, पॉइंट एम, और उसके ऊपर मैंने पहले एक बॉक्स बना दिया। ये मैंने बॉक्स बनाया और इसके अंदर मेरा पॉइंट एम, एम मेरा एक वेक्टर फील्ड है, यहां से वेक्टर मुझे मिल रहा है, ये वेक्टर फील्ड है। अब ये वेक्टर बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है मीन मैं ये सरफेस, इस सरफेस से कितना वेक्टर बाहर निकल रहा है, इस सरफेस से, सब सरफेस से वेक्टर कितना बाहर निकल रहा है, इस सरफेस से कितना वेक्टर बाहर निकल रहा है, बॉटम सरफेस से वेक्टर बाहर कितना निकल रहा है, पीछे वाली सरफेस से वेक्टर कितने बाहर निकल रहे हैं, और जो फ्रंट सरफेस है उससे वेक्टर कितने बाहर निकल रहे हैं। तो सारे वेक्टर्स को अगर मैं सम कर लूंगा तब मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा इसका। और अगर इसका वॉल्यूम, मेरे पास में वॉल्यूम वी है, तो मेरे पास में डाइवर्जेंस क्या हुआ, डाइवर्जेंस इज टोटल फ्लक्स, क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन किस पर, किसका, एफ एम का, डीएस एरिया पे, किस पे, कौन से वॉल्यूम पे, डीवी वॉल्यूम पे, जो हमारा ये स्मॉल वॉल्यूम है, डीवी वॉल्यूम पे मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, डीवी वॉल्यूम पर, स्मॉल वॉल्यूम डीवी का सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज डाइवर्जेंस। तो बेसिकली डाइवर्जेंस इज द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज अ डाइवर्जेंस। अब इसको मैं, मेरे पास यहाँ पे देखो दो अलग अलग क्वांटिटी आ रही है, ऊपर आ रहा है सरफेस और नीचे आ रहा है वॉल्यूम। तो मैं इसको यूं करता हूं, वॉल्यूम जो हमने ये बॉक्स जो बनाया, इस बॉक्स को श्रिंक करता हूं, इसको छोटा करता हूं, और इसको छोटा करते करते जो पॉइंट है पॉइंट के ऊपर लेके आ जाता हूं, देन क्या होगा, वॉल्यूम इज नियरली, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जब आपका पॉइंट पर आ रहा है, इस वॉल्यूम को मैं श्रिंक कर रहा हूं, दैट मीन्स मेरे पास में जो डाइवर्जेंस है वो क्या हो गया, डाइवर्जेंस एम इज लिमिट मैंने ले ली v टेंड्स टू m, जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को श्रिंक करके पॉइंट पर लेकर आ गया। देन मेरी जो इक्वेशन है यहाँ पे, जब मैंने डाइवर्जेंस लगा दिया, लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन किसका, सरफेस इंटीग्रेशन, दैट इज ये मेरा फ्लक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। देन अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, इसको मैं अभी जो हमने निकाला था, ये मेरा क्या था, F, इसको मैंने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था, याद करो, ये मेरा क्या है, व्हाट इज दिस, वेक्टर्स, कितने वेक्टर्स बाहर निकल रहे हैं वो है, दैट मींस व्हाट इज दिस, इट इज ये मेरे पास में वैल्यू आई थी, जो मैंने अभी जो वैल्यू लिखी थी उस वैल्यू से ये वैल्यू हो गई मेरे पास में F, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, F1 x y z i cap, ओके, प्लस F2 प्लस F3 का डाइवर्जेंस, विच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस। इसको मैं डाइवर्जेंस के फॉर्म में, डाइवर्जेंस F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 j cap, F3 k cap लिखा जा सकता है ना, व्हाट इज दिस, ये F1, F2, F3, J cap, I cap, J cap, K cap का डाइवर्जेंस है। जब मैं ये डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस को हम कैसे, अब मैं इसको अगर उस फॉर्मेट में लिखूं, DS क्या था हमारा, DS है हमारा
dx i cap plus dy j cap plus dz k cap. ठीक है, तो डाइवर्जेंस में ये हमारा क्या हो गया, दैट मींस ये चीज हो गई डाइवर्जेंस एफ एम. एफ मेरा वेक्टर फील्ड है, ध्यान रखना, इट इज इक्वल टू डेल्टा एफ वन बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एफ टू बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ थ्री बाई डेल्टा जेड. ये हुई, और इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड के कैप मल्टीप्लाइड बाई क्या, एफ वन जो मेरा है, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप. एंड वॉट इज दिस, इसको मैं नैबला से भी लिख सकता हूं, और यहां पे क्या हो रहा है, आई जे के मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आई जे के से, और वैल्यू क्या मिल रही है, ये वैल्यू क्या है, ये मेरी स्केलर वैल्यू है, इट इज अ स्केलर वैल्यू. जब मेरी ये स्केलर वैल्यू है, दैट मींस यहाँ पे इन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, किस किस के बीच में, पार्शियल डिफरेंशिएशन का वेक्टर, आई कैन से पार्शियल डिफरेंशिएशन का वेक्टर, और व्हाट इज दिस, ये हमको टेंजेंशियल की डायरेक्शन दे रहा है, टेंजेंशियल हमको दे रहा है किसका, वेक्टर का, और दोनों से जो टोटल वेक्टर जो बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है क्या, डाइवर्जेंस. सो डाइवर्जेंस एफ एम इज, इसको लिखते हैं नेबला उल्टा डेल, नेबला से नेबला डॉट एफ एम, ये मेरा डाइवर्जेंस हुआ. डाइवर्जेंस क्या चीज है, डाइवर्जेंस है क्या चीज, वापस सुनना, डाइवर्जेंस क्या है कि जो हमारा वेक्टर फील्ड हमने लिया था वहां पे, जो हमने वेक्टर्स दिए थे, वेक्टर कहां से निकाले थे, टेंजेंट से निकाले थे. अब वो टेंजेंट अगर एक एक सरफेस है, परपेंडिकुलर सरफेस, एरिया जो है, एरिया में से जो पास हो रहे हैं वो तो हो गया फ्लक्स, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डाइवर्जेंस. तो ये जो डाइवर्जेंस हमारा आया, डाइवर्जेंस अब क्या हो सकता है, डाइवर्जेंस मे बी, फर्स्ट डाइवर्जेंस मे बी ग्रेटर देन जीरो. अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मीन्स डाइवर्ज कर रहा है, जब डाइवर्ज कर रहा है ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स क्या है, इनसाइड सोर्स है, सोर्स अगर अंदर पड़ा है, पानी का स्रोत हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, बल्ब से जो आपकी जो बल्ब से जो ल्यूमिनेंस जो हमको जनरेट हो रहा है, जो लाइट मिल रही है हमको, तो बल्ब से जितनी लाइट बाहर निकल रही है वो क्या हो गया, सोर्स है, और वहां से लाइट बाहर निकल रही है, डाइवर्जेंस हमारा ग्रेटर देन जीरो. दूसरा केस, सेकेंड, इफ डाइवर्जेंस इज लेस देन जीरो, डाइवर्जेंस इज लेस देन जीरो, दिस दैट मींस क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस लेस देन जीरो मींस वहां पे श्रिंक हो रहा है, वहां पे फील्ड अंदर जा रहे हैं, फील्ड बाहर नहीं निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ श्रिंक हो रहे हैं, दैट मींस ये हो गया मेरा श्रिंक, इसमें हमारा हो गया सिंक, सोर्स नहीं है, सिंक हो गया, जहां पे वो कन्वर्ज हो रहे हैं. और तीसरा, अगर मेरा डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो है, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो मींस जितना फील्ड आ रहा है वो फील्ड यूं का यूं निकल रहा है, फील्ड ना तो कंप्रेस हो रहा है ना ही फील्ड एक्सपांड हो रहा है, दैट इज नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल फील्ड हो गया, फील्ड जो है नॉन कंप्रेसिबल है. ये मेरे तीन तरह का डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, डाइवर्जेंस लेस देन जीरो हो सकता है, और डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो हो सकता है. तो सोर्स, सिंक और तीसरा इनकंप्रेसिबल सोर्स हमारा डिफाइन हो जाता है. क्लियर, लिख लीजिए. इसको इसको नेबला ऑपरेटर भी कहते हैं और ये हर्मिशियन ऑपरेटर भी कहलाता है, इसको नेबला भी कहते हैं और हर्मिशियन ऑपरेटर भी कहलाता है, हर्मिशियन ऑपरेटर ये हमने काम में ले रखा है, क्वांटम में हम कई जगह इसको काम में लेते हैं. लिख लिया,
यस सर। अब डाइवर्जेंस की डेफिनेशन जो है, मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करता हूं, तो उससे आपको और डाइवर्जेंस क्या है। इफ एफ एक्स वाई जेड इज अ इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूड और गैस, इज अ गैस देन डाइवर्जेंस। देखो एफ मेरे पास से क्या है, एक फील्ड है जो वेलोसिटी फील्ड हो सकता है फॉर अ गैस और अ फ्लूड और इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फील्ड, कुछ भी फील्ड हो सकता है। देन डाइवर्जेंस एफ रिप्रेजेंट द नेट rate of change with respect to time of the mass of fluid flowing from the point xyz per unit volume. So aapne jo abhi humne baat ki direction ki jo baat hui thi hamari, direction kiski aa rahi hai ki us direction ke andar mera vector move kar raha hai. Jab us direction mein vector move kar raha hai to vector agar maine uske samne kya rakh diya, screen rakh diya, to screen matlab jo area rakha, एरिया में से जो मेरा फ्लूड बाहर निकल रहा है, दैट इज क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज किसमें से, पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस इज बेसिकली फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, और आई कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर यूनिट, इट इज ऑल्सो द रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम। मेरा जो चेंज है वो हो गया डाइवर्जेंस। नाउ इफ डाइवर्जेंस, इन अदर वर्ड्स डाइवर्जेंस एफ मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ फ्लूड टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट, डाइवर्जेंस हमको क्या दे रहा है, उस पॉइंट से जो हमारा फील्ड है, जो वेक्टर है, वो कितना दूर जाने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ज होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। Now, if divergence is zero, divergence F is zero, then F is incompressible हो जाएगा, non-compressible हो जाएगा। उसका उल्टा, if divergence is greater than zero, ये देखो यहाँ पे डायग्राम में भी शो कर रखा है। एक सेकंड, मैं इसको ले रहा। अब देखो यहाँ पर डायग्राम को अगर देखोगे तो यहाँ आपको जो ऊपर एक ब्लू जो स्क्वायर में जो दिखा रखा है, इसमें क्या हो रहा है, एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे अंदर सोर्स है, ये डाइवर्ज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये सोर्स है और डाइवर्जेंस इस केस में पॉजिटिव होगा। जबकि जो रेड बॉक्स है उसके अंदर एरोज अंदर की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ये सिंक है और ये डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं, अब ये कन्वर्ज हो रहे हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। जब एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, दैट मीन्स ये यहाँ पर सिंक है। और तीसरे केस के अंदर जो सर्किल में बना रखा है, जितने एरो अंदर आ रहे हैं उतने ही एरो बाहर निकल रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, इनकम्प्रेसिबल है। तीसरा केस इनकम्प्रेसिबल का हो गया। और नाउ लास्ट इसका एक टॉपिक और कर लेते हैं, इसी यूपीटी के थ्रू ही कर लेते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है आप बताओ पहले तो, गॉस थ्योरम क्या कहती है। गॉस थ्योरम तो ये कहते हैं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है तो उसमें से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल के आता है, हाँ, वही गॉस थ्योरम होता है। गॉस थ्योरम ये कहती है, बिल्कुल। गॉस थ्योरम हमारी क्या कह रही है कि अगर मेरे पास में कोई सरफेस, लाइक ये जो मेरी सरफेस है, इस सरफेस से जितना फ्लक्स मेरा बाहर आ रहा है, वो फ्लक्स उस वॉल्यूम के अंदर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बराबर होगा, जो क्वांटिटी के बराबर होगा जितना फ्लक्स बाहर आ रहा है। डेफिनेटली वो तो हम यहाँ पे कह ही रहे हैं, इस इक्वेशन से हमको मालूम पड़ रहा है। इस इक्वेशन को मैं आप थोड़ा सा रीअरेंज अगर कर दूं, इसी इक्वेशन को मैं कुछ नया नहीं करूंगा, सिर्फ इसी इक्वेशन को रीअरेंज करूंगा, तो देखो मेरी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट मुझे मिल जाएगा। इसी को सिंपली आप अभी हमने डाइवर्जेंस की क्या बात की थी, डाइवर्जेंस था हमारा, डाइवर्जेंस सम वेक्टर ए इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये था हमारा डाइवर्जेंस। अब इसी डाइवर्जेंस को मैं क्या लिख लेता हूँ, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन आई कैन राइट इट डाइवर्जेंस ए मल्टीप्लाइड बाई डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन लीजिए। डाइवर्जेंस क्या था, करंट वॉल्यूम, तो डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन मींस टोटल डाइवर्जेंस कितना हो रहा है, टोटल डाइवर्जेंस वेक्टर्स कितने बाहर निकल रहे हैं, विच इज इक्वल टू क्या क्वांटिटी हो गई, ए डॉट डी एस विच इज फ्लक्स। तो यहां पर ये हो गया डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस इज इक्वल टू फ्लक्स, फ्लक्स व्हाट, फ्लक्स मींस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, एंड दिस इज गॉस थ्योरम, यही हमारी गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम कुछ भी नहीं है। अब इसी गॉस थ्योरम को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करता हूं तो वहां पर मेरा वेक्टर क्या हो गया, जो उसमें चार्ज आ रहा है, जो उसके अंदर जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी दैट इज डाइवर्जेंस, आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है मुझे अभी पूरा याद नहीं है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, इस तरह का होता है। यस सर, फ्लक्स बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। सो दिस इज गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ये हो गया टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू, किसके बराबर हो गया, टोटल क्वांटिटी इनसाइड दी वॉल्यूम, ये टोटल क्वांटिटी इनसाइड दी वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, एंड दिस इज गॉस थ्योरम, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट मैंने वैसे बता ही दिया, लिख भी दिया है, यही इसका स्टेटमेंट है। ओके, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, एरिया कौन सा है, क्लोज एरिया, जो इस वॉल्यूम को क्लोज कर रहा है, इट इज अ क्लोज एरिया, क्लोज एरिया है ओवर अ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम क्लोज एरिया ए किसके बराबर, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस, ये हमारा डाइवर्जेंस गॉस थ्योरम, क्लियर। यस सर, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये देखो ये यहां पे भी मैंने यही लिखा है। Yes, sir. If a vector f x y z has continuous partial derivative in a three-dimensional region V bounded by a finite boundary sigma, we can write closed integration f ds. F ds closed integration कर रहे हैं किसके चारों ओर, जो volume हमको given है, which is equals to the volume integration of divergence f dx dy dz. इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होगा। दी वेयर द सरफेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज ओरिएंटेड सो दैट द नॉर्मल्स पॉइंट आउट, बाहर की तरफ आपका पॉइंट आउट हो रहा है। और जो अभी मैंने आपको कहा डाइवर्जेंस का क्या मतलब हुआ, गॉस थ्योरम का मतलब क्या हुआ, टोटल प्लस पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी इनसाइड द वॉल्यूम, जो सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो उस वॉल्यूम के अंदर जो क्वांटिटी है क्वांटिटी के बराबर होता है। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। कल हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम बात करेंगे कर्ल की। अभी हमने बात की वेक्टर की, सॉरी डाइवर्जेंस की, वेक्टर फील्ड हमने लिया, वेक्टर फील्ड लेने के बाद में सिर्फ उस वेक्टर फील्ड को हमने देखा, वेक्टर फील्ड को अभी तक हमने छेड़ा नहीं है कि वेक्टर फील्ड कितना पास हो रहा है, वो डाइवर्जेंस हो गया। अब कल बात करेंगे कर्ल की, कर्ल में हमारे पास में हमको दो वेक्टर्स को हम लेंगे, तब हम देखेंगे क्या होगा, उसको हम कल करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताना, मुझे उसका आंसर नहीं मालूम है, आप मुझे बताना क्या आंसर होगा, थोड़ा सा मेरे दिमाग में दो दिन से घूम रहा है, मैं आपसे पूछूं पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। हमने तीन चीजें की थी, हमने क्या क्या किया था, हमने वेक्टर एडिशन किया, दूसरा हमने किया स्केलर प्रोडक्ट,
और तीसरा हमने किया वेक्टर प्रोडक्ट। अब मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं, दोनों सेम वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए, बोथ आर वेक्टर ए, बोथ आर सेम वेक्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये वेक्टर आपस में ऐड कब होंगे, कब इनके बीच में स्केलर प्रोडक्ट होगा, कब इनके बीच में वेक्टर प्रोडक्ट होगा, कब कौन सी चीज डिसाइड होगी। या मान लीजिए दोनों वेक्टर मेरे पास में अलग अलग है, दोनों वेक्टर मेरे पास में अलग अलग है, वेक्टर डी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो हम नॉर्मली इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, हमने वर्क डन निकाल दिया एफ डॉट डी, है ना। तो इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा, क्यों नहीं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमने काम में लिया, या मेरे पास में दो वैक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों वैक्टर सेम है, तो दोनों वैक्टर्स को हमने यहाँ पर एड ही क्यों किया, एफ वन प्लस वैक्टर एफ प्लस एफ, वैक्टर्स के बीच में इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं हुआ, या वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं हुआ, कब कौन सा काम करेगा, एडिशन यहां पर एडिशन क्यों नहीं हुआ, यहां पर इन दोनों के बीच में एडिशन क्यों नहीं हुआ, दो वेक्टर्स को हमने यहां पे ऐड क्यों नहीं किया, यहां पर इन दोनों वेक्टर्स से क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा, डॉट प्रोडक्ट कब होगा और एडिशन कब होगा, ये आप मुझे बताओगे कब कौन सा होगा और क्यों होगा। क्या बाकी समय दूसरा नहीं होगा, जब मैं स्केलर प्रोडक्ट दूंगा तो क्या उस समय वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा, या फिर एफ क्रॉस डी नहीं होगा, या ये दोनों वेक्टर्स आपस में सम नहीं करेंगे, कब क्या होगा आप मुझे बताओ। यस सर, एक्चुअली है क्या कि एडिशन हो या स्केलर प्रोडक्ट हो या वेक्टर प्रोडक्ट हो, डिपेंड करता है कि हम क्या चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तीनों ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तीनों ऑपरेशन, दैट मींस क्या तीनों क्वांटिटी साथ में होगी, क्या वेक्टर जब प्रोडक्ट कर रहे हैं क्या उस समय स्केलर प्रोडक्ट भी वर्क करेगा, वो तो हमने हमारे सुविधा के हिसाब से वहां पे वेक्टर मान लिया, क्या वहां पे स्केलर प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, क्या क्वांटिटी को मालूम है कि मुझे यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ही करना है या स्केलर प्रोडक्ट करना है, हो सकता है सारा हो सकता है, यस सारा हो सकता है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंस हम किस चीज को देंगे, yes, वो डिपेंड करेगा हमारा कि हमको फाइंड क्या करना है, हमको क्या चाहिए। दैट्स गुड, यही मैं जानना चाह रहा था, बिकॉज यहाँ पर हमारा डॉट प्रोडक्ट भी होता है और यहाँ पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट भी हो रहा है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ और इससे मुझे टॉर्क मिल जाएगा, इट गिव्स टॉर्क, ये मुझे टॉर्क, टॉर्क मुझे अभी जब मैं वर्क डन की जब बात कर रहा हूँ तब मुझे टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको काम में नहीं ले रहा हूँ, ये अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उस समय मैं इस चीज को देख नहीं रहा हूँ, दैट इज द थिंग। चलिए ठीक है, आज वाला क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास हमारी इसी की हमारी रहेगी शनिवार को। यस सर, थैंक यू सर। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर, ठीक है सर। ओके।